और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी पांच गाड़ियों के बारे में जो 2020 में इस साल लॉन्च होने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ। तो पहली बाइक है बजाज डोमिनार 250। दोस्तों, हम सब ने सोचा था कि बजाज पल्सर 250 को लॉन्च करेगा, लेकिन उन्होंने एकदम से सरप्राइज दिया है और बजाज डोमिनार 250 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बना लिया है और इसकी स्पॉटेड वीडियोस और पिक्चर्स आपको यहाँ शो हो रही होगी। अब काफी सारे बंदे सोच रहे होंगे कि भाई ये डोमिनार 400 BS6 की टेस्ट राइड होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कई सारे फीचर्स और चेंजेस ऐसे हैं जो डोमिनार 400 से नहीं मिलते हैं। जैसे कि डोमिनार 400 में आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, लेकिन इस बाइक में बॉक्स टाइप स्विंग आर्म दिया गया है और इसका पीछे का टायर भी पतला है। बाकी दोस्तों, इसका लुक्स और डिजाइन सेम डोमिनार 400 जैसा रहेगा और सेम डिजिटल मीटर इसमें आपको मिलेगा। बाकी इंजन इसमें आपको मिलेगा 248.8 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर होगा 30 PS एट 9000 RPM पर और टॉर्क होगा 24 Nm एट 7500 RPM पर। और आने वाले 2 से 3 महीनों में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आप डोमिनार 250 को लेना पसंद करोगे कि नहीं। दूसरी बाइक है TVS अपाचे RR310 BS6। दोस्तों, ये बाइक ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है और इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें आपको BS6 इंजन तो मिलता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ TVS कंपनी ने इस बाइक में ढेर सारे फीचर्स दिए हैं। जैसे कि पहला, इसमें आपको न्यू ग्रे कलर मिलता है विथ न्यू ग्राफिक्स। दूसरा, अब इसमें आपको न्यू रेक्टेंगुलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। पहले आपको डिजिटल मीटर मिलता था, लेकिन अब TFT कलरफुल डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगा, जो बाइक को और भी स्पोर्टियर लुक देता है। तीसरा, इसमें आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलेंगे। पहला अर्बन मोड, दूसरा ट्रैक मोड, तीसरा रेन मोड और चौथा स्पोर्ट मोड। दोस्तों, इन चारों मोड्स को सिटी और हाईवे के लिए डिजाइन किया है। बाकी जैसे ही ये बाइक शोरूम पर अवेलेबल होगी, मैं आपके लिए इस बाइक का डिटेल रिव्यू जरूर लाऊंगा। इसके इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है 312 cc का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड FI स्लीपर क्लच BS6 इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर है 33 BHP एट 9700 RPM और टॉर्क है 27.3 Nm एट 7700 RPM पर विथ डुअल चैनल ABS। और इसका ABS भी इन चार मोड्स के हिसाब से वर्क करेगा। इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 2,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली और मार्च 2020 से इस बाइक की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको अपाचे RR310 कैसी लगती है। तीसरी बाइक है यामाहा XSR 155। दोस्तों, इस बाइक का इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा है, क्योंकि इसका सिंपल और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन सभी को पसंद आता है। हालांकि ये बाइक 2019 में ही लॉन्च हो जाती, लेकिन BS4 इंजन होने के कारण यामाहा ने इसके लॉन्च को पोस्टपोन्ड कर दिया था, लेकिन अब वो इस बाइक में BS6 इंजन लाकर 2020 में ही लॉन्च करने वाले हैं। बाकी दोस्तों, ये बाइक लो बजट वाले बंदे के लिए सही रहेगी, क्योंकि इससे आप अराउंड 40-45 KMPL तक का माइलेज गेन कर सकते हो और सेम R15 V3 वाला इंजन इसमें आपको मिलेगा, 155 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4 वाल्व SOHC BS6 इंजन इसमें आपको मिलेगा, जो मैक्सिमम पावर देगा 18.6 PS एट 10,500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 14.1 Nm एट 8,000 RPM पर और इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। लॉन्च डेट की बात की जाए तो mid-2020 में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा 1,30,000 एक्स शोरूम दिल्ली। बाकी इस बाइक के हेटर्स और लवर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस बाइक में क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। फोर्थ नंबर की बाइक है बेनेली BN125। दोस्तों, ड्यूक 125 को टक्कर देने के लिए बेनेली ने BN125 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का प्लान बना लिया है और इंडिया में इस बाइक को स्पॉट भी किया गया है। दोस्तों, ये एक कम्यूटर सेगमेंट की नेकेड बाइक होने वाली है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक बजट फ्रेंडली बाइक
होगी। डिजिटल मीटर इसमें आपको मिलेगा और फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा और सबसे अच्छी बात इसमें आपको USD फोक सस्पेंशन मिलेंगे विथ LED इंडिकेटर्स और माइलेज इस बाइक से आप अराउंड 50 प्लस का गेन कर सकते हो। इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 125cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड ट्विन स्पार्क FIBS6 इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 11 bhp एट 9500 rpm का और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 10 न्यूटन मीटर एट 7000 rpm पर और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा। और दोस्तों ये बाइक एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वैल्यू फॉर मनी बाइक रहेगी क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 80,000 एक्स शोरूम दिल्ली और जुलाई 2020 में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। और जो भाई लोग दिल से इस बाइक को लेना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए बेनेली BN125। पाँचवें नंबर पर आती है KTM RC 250। दोस्तों KTM कंपनी ने इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करने के लिए काम चालू कर दिया है। हालांकि यूरोपियन कंट्री में ये बाइक काफ़ी समय पहले ही लॉन्च हो चुकी थी और अब ये बाइक इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। दोस्तों इसका लुक्स और डिज़ाइन सेम RC 200 के जैसा रहेगा, बस आपको इंजन और ग्राफिक्स में ही चेंजेस देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों KTM को अब RC 250 में RC 200 जैसा लुक नहीं देना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है। RC 125, RC 200, RC 390 तीनों का डिज़ाइन सेम ही तो है, इसलिए आई होप कि इस बार KTM आपको कोई नया और बेहतरीन लुक दे अपनी आने वाली RC 250 में। बाकी इस बाइक में आपको इंजन मिलता है 248.8cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक DOHC 4-वाल्व FIBS6 इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 30 bhp एट 9500 rpm पर और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 27 न्यूटन मीटर एट 7500 rpm पर। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,10,000 एक्स शोरूम दिल्ली और मिड 2020 में ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। और KTM लवर्स कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए KTM RC 250। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।